भोपाल से बड़ी खबर है, जहां भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला। बड़ी खबर इस वक्त की, भाजपा में कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला शामिल हो गए हैं। प्रदेश कार्यालय जाकर भाजपा की सदस्यता भी इन्होंने ले ली है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। बड़वाह सीट से कांग्रेस के विधायक हैं ये। एक साल पहले ही इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, आज आधिकारिक रूप से भाजपा में ये शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, चुनावी आवागमन के बीच, चुनावी गहमा गहमी के बीच मध्य प्रदेश की सियासी हलचल मचा देने वाली खबर, जहां बड़वाह सीट से कांग्रेस के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदीप तलवेजा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। प्रदीप, क्या वजह थी कि इन्होंने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ये सब कैसे हुआ, पूरा घटनाक्रम विस्तार से समझाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सचिन बिड़ला जो नाम के जो विधायक है, वो एक ऐसे इकलौते विधायक है जिन्होंने सदस्यता तो हालांकि कांग्रेस से चुनाव लड़ा, कांग्रेस से ही वो चुनाव जीते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी शामिल रहे हैं। ये रिकॉर्ड रहा है पूरा सचिन यादव का, बाकी ज्यादा सचिन बिड़ला का। देखिए, अगर जिस प्रकार से हमने देखा है कि पार्टी बदलने को लेकर अभी भी जो दल बदल का जो कानून था वो उसके दायरे में वो नहीं आना चाहते थे। पिछले एक साल की अगर हम बात करें 2021 में जिस प्रकार से हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे थे, उस समय उन्होंने कहीं ना कहीं वो बीजेपी के मंच पर देखे गए थे। और ये लगातार ये जरूर कहा जा रहा था कि जब जब 2021 में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए एंड मौके पर जब ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन हम सदन में भी देख रहे थे वो बैठ कांग्रेस की तरफ से रहे थे, लेकिन काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, तकरीबन एक साल से ज्यादा का समय हो चुका था इसको लेकर के तमाम बातें भी सदन में कही। एक जरूरी सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इन्हें टिकट दिया जा सकता है या इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है? बात को ऐसा कोई दोहराने जो सीट है उनके पास, क्योंकि खरगोन जिले की बड़वाह सीट है, उस सीट पर कहीं ना कहीं इनका कब्जा है, वो काम भी वहां पर करते हुए देखे गए। और इस तमाम बातों को लेकर देखिए, जिस प्रकार से वो कांग्रेस में रहती है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं काम करे, तो ये कहा जरूर जा सकता है कि अब वो जब बीजेपी में शामिल हो गए आधिकारिक रूप से, आज उन्होंने सदस्यता ली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर होगी कि सचिन बिड़ला को वापस वहां से टिकट दिया जाए। लेकिन हालांकि इस बातों को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण जो है उनके द्वारा नहीं, बिल्कुल अभी पुष्ट जानकारी नहीं है। प्रदीप, इस वक्त वो कोई कांग्रेस पार्टी है, जो संगठन जो पार्टी निर्णय लेगी वो काम करूंगा। क्यों आके छोड़ दी, क्या नाराजगी थी, क्या चर्चा नहीं की? 1.5-2 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा था और अभी मैंने विधिवत भाजपा की सदस्यता ली है और आगे जैसा पार्टी बोलेगी वैसा काम करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला को। इन्होंने कहा कि 1 से लेकर 1.5 साल से मैं काम कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन अब मैं विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुका हूं और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा जो भी पार्टी आदेश देगी। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रदीप, आधिकारिक रूप से उन्होंने कह दिया है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें टिकट दी जाए, प्रत्याशी बनाया जाए। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दोहरा नहीं है कि जिस प्रकार से उनकी छवि है और छवि के तहत भारतीय जनता पार्टी में अपना सर्वस्व देकर वो शामिल हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय करेगी तो वो उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन देखिए, चुनावी साल और चुनावी साल में कोई भी पार्टी नुकसान करना नहीं चाहती और ऐसे में जब उनकी छवि को देखते हुए, जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रबंधन है उसको देखते हुए, इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये तमाम जो चीजें हैं वो जरूर देखने में आएंगी। ठीक है प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक और कांग्रेस का बड़ा चेहरा शामिल हो गया है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है।